हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही देसी नुस्खा लेकर के आई हूँ। गर्ल्स हो या बॉयज़, ये सभी के लिए अप्लाई होने लायक नुस्खा है। बहुत ही देसी है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, घरेलू है। मैं ये लेकर आई हूँ बालों को काला करने के लिए। बहुत लोगों की समस्याएँ होती हैं, सफ़ेद बाल होने लगे हैं जिनके समय से पहले, या आजकल तो आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चों के भी सफ़ेद बाल होने लगे हैं। बहुत बड़ी समस्या है, बहुत डॉक्टरों के पास चक्कर लगाने पड़ते हैं, आप लोगों को मेडिसिन से बहुत खर्चा करना पड़ता है, साथ ही टाइम की इतनी शॉर्टेज होने के बावजूद भी आपको डॉक्टर्स के पास कई घंटों तक बैठना पड़ता है अपॉइंटमेंट लेकर के ट्रीटमेंट के लिए, और लंबा ट्रीटमेंट भी लेना पड़ता है जिसमें आपका बहुत पैसा भी खर्च हो जाता है। तो आइए, मैं आपके लिए बहुत ही देसी और घरेलू नुस्खा लेकर के आई हूँ, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली सामान भी नहीं चाहिए और इजीली आपको वो सामान अपने ही घर में मिल सकता है। फ्रेंड्स, क्या है कि हमारे प्राचीन काल से ही हमारे देश में आयुर्वेद का बहुत बड़ा रोल रहा है हमारी हर बीमारी के लिए। बस वक्त के साथ लोग इसे भूलते जा रहे हैं, आयुर्वेद की तरफ मुड़कर नहीं देखते हैं, वरना हमारे आयुर्वेद में हर चीज़ का इलाज है। आपके बालों को जड़ से काला करने का भी इलाज है, आपके बालों को समय से पहले पकने ना देने का भी इलाज है, आपके बालों को घना लंबा करने का भी इलाज है, तो आपके बालों को समय से पहले झड़ने ना देने का भी इलाज है। ठीक उसी तरीके से हमारे आयुर्वेद में हर एक बीमारी का इलाज है, हर एक बीमारी का इलाज संभव है। उसी तरीके से मैं आज जो देसी नुस्खा लेकर के आई हूँ पूरी तरीके से आयुर्वेदिक है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और बहुत ही अच्छा फायदा दे, एक ही बार के इस्तेमाल से बहुत अच्छा फायदा देने वाला ये नुस्खा है। तो आइए फ्रेंड्स, इसकी शुरुआत करते हैं, बनाते हैं इसको। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात मैं ये कहना चाहूँगी दोस्तों, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि इस वीडियो को हम आपके लिए बना रहे हैं तो जिससे कि इससे आगे भी और लोगों को फ़ायदा मिले। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए ले लेंगे वैसलीन। वैसलीन आप देख सकते हैं, आपके घर में कोई भी वैसलीन हो, ब्लू चिप होती है या वैसलीन भी होती है, आपको बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है। देखिए, सिर्फ आपको इतनी ही मात्रा वैसलीन की लेनी है, क्योंकि वैसलीन हमें ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे गर्मियों में अप्लाई करें या सर्दियों में अप्लाई करें, आपको वैसलीन की कम मात्रा ही लेनी है। वैसलीन में ऐसे तत्व होते हैं जो हमारी स्किन को सॉफ्ट बनाते हैं, हमारी स्किन को नॉरिश करते हैं, उसी तरीके से हमारे बालों को हेल्दी बनाते हैं। हमारे बालों को काला करने में वैसलीन बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। फ्रेंड्स, जो इसमें दूसरा इंग्रेडिएंट हम मिलाएंगे वो है नारियल का तेल। कोकोनट ऑयल में ऐसे गुण होते हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है हमारे बालों को पूरी तरह से पोषण देने के लिए, हमारे बालों को काला करने के लिए, हेल्दी बनाने के लिए कोकोनट ऑयल का बहुत बड़ा रोल होता है। देखिए, हमने एक चम्मच यहाँ कोकोनट ऑयल लिया है। आप अपने बालों के हिसाब से इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। आपके बाल अगर ज़्यादा बड़े हैं या आपके बाल अगर छोटे हैं तो उसके हिसाब से आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा बड़े हैं, मोस्टली लड़कियों के बड़े होते हैं, लड़कों के लिए इतनी क्वांटिटी काफ़ी है, अगर लड़कियों के काफ़ी बड़े होते हैं तो आप 2 चम्मच नारियल का तेल ले सकते हैं और वैसलीन की मात्रा को थोड़ा इसी हिसाब से बढ़ा सकते हैं। तीसरा इंग्रेडिएंट जो इसमें हमें चाहिए वो है कपूर। कपूर का बहुत बड़ा रोल रहता है, जो आपने देखा होगा पुराने समय में हमारे घर में दादी नानियाँ जो है इस्तेमाल करवाती थी घर सर में जू पड़ने के लिए या बालों को मजबूत करने के लिए, साथ ही बालों को काला करने के लिए कपूर का बहुत बड़ा रोल होता है। ये देखिए, कपूर इस तरह से मार्केट में आपको मिलेगा, तो हम इसको इसकी जो है बहुत थोड़ी सी मात्रा लेंगे, हमें ज़्यादा मात्रा नहीं लेनी है। देखिए, आपको इतनी मात्रा इसकी लेनी है बस, और इसमें हम मिला देंगे साथ ही चौथा इन्ग्रीडियंट जिसमें हम लेंगे वो है नींबू। नींबू हमारे बालों को काला करने के लिए, हमारे बालों की जड़ों को मजबूत करने के लिए, साथ ही डैंड्रफ को ख़त्म करने के लिए नींबू बहुत हेल्प करता है, तो हम इसमें नींबू की जो है 5 से 6 बूंदें ले लेंगे, हमें बहुत ज़्यादा नींबू नहीं चाहिए। अच्छे से इसको मिला करके देखिए, आपको ये कितना गाढ़ा है, एक सीरम की तरह बन गया है ये। आप इसे अपनी उंगली से लेकर के बहुत अच्छे से, आप उंगली से लेकर के अपने बालों की जड़ों पर, स्कैल्प पर और साथ ही अपने बालों पर इस तरह से लगा सकते हैं, आपके बाल बहुत शाइनिंग करने लगेंगे। साथ ही इसके एक बार के इस्तेमाल से आप देखेंगे कि आपके बालों में बहुत अंतर आया है, आपके बाल धीरे धीरे ग्रे कलर से और ग्रे कलर से फिर काले होने लगेंगे और समय से पहले उनका पकना भी बंद हो जाएगा इसके लगातार इस्तेमाल से। आप चाहें तो वीक में इसको 2 बार 3 बार इसको अप्लाई कर सकते हैं और इसको लगाने के तकरीबन आप आधे घंटे बाद अपने बालों को वॉश कर लीजिए,
गुनगुने पानी से आप वॉश करिएगा किसी भी माइल्ड कंडीशनर शैम्पू से, और उसके बाद में आप इसका रिजल्ट देखेंगे, आपको बहुत ही आश्चर्यजनक चौंकाने वाले आपको इसके रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।